छुप के लौड़े, ये क्या इंग्लिश 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 लगा रखा बे। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई का काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाए। अब कहने के लिए तब इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के बच्चे यो व्हाट्सअप जोड़ ऐसे बात करते थे। क्या बकरा था लंडा आजकल, ऐसे गले मिलते थे। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे माँ बाप टीचर लोग। गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसे चल रहे हैं आपकी तैयारी, बैकग्राउंड चेक तो कहना है। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हमसे पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो ये सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा है सब कुछ है। बट आई नेवर चूज दिस इंजीनियरिंग लाइफ सर, नीड दिस इंजीनियरिंग लाइफ चूज मी। इट वॉज शॉट डाउन माई थ्रोट बाई माई टीचर्स वेल माई हैंड्स वेट टाइट टू माई बैक माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स वॉच इट इन साइलेंस। और ये सुनेगा तू तो सुन, 10th के बाद 2 साल लगे इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दी, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल के बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े स्कूल के बड़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए पुल भी लुटते हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है अंग्रेजी सुन के। और पूरी कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपने जीवन साथी .com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपने अंग्रेजी पे काम करूँ अपने पर्सनालिटी पे काम करूँ? बहुत लगा। पर ये चूते इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा करके हो, जिसे हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वाइवा लेबर इंटरनल मेजर्स माइनस थीसिस प्रोजेक्ट्स असेसमेंट गांड मार के रख दी हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हम ऐसे रहना चाहते हैं। अबे साल में एक बार कल्चरल फेस्ट रहना था, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अबे बिना इंग्लिश बोले बिना लड़कियों से बात किए कौन गांड रहना चाहता है वैसे? पर टाइम का है कुछ सीखने के लिए, लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबके एटीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम इज लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शन लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग द ड्रिल्स एंड हैंडलिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग इन दिस पॉइंटलेस एचआर इंटरव्यू द लाइक्स ऑफ व्हिच ओनली एग्जिस्ट आवर कंट्री। ये लो सर, बोल दिए मैंने 4 लाइन अंग्रेजी में, अब बताइए क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी स्लेव ऑफ योर एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन?